मानवीय तरीका से दोनों भाई बहन को बंद करके रखा गया था, इसकी जानकारी हम पड़ोस में रहते हैं कल हुई, कल से हम लोग लगे हैं। आज सुबह में आए, चाबी मांगा गया जो बंद करके रखे थे, उनसे कि चाबी दीजिए, हम लोग खोल के स्थिति देखेंगे कैसा है उन लोग का। तो चाबी देने से साफ मना कर दिया गया। उसके बाद हम 100 नंबर पर फ़ोन किए, पुलिस आई, पुलिस अपने हिसाब से उसको खुलवाई ताला को, और जब इतना विभत्स स्थिति में दोनों को पाया गया कि अभी आप हॉस्पिटल में दोनों एडमिट हैं, आप वहाँ जाके उनकी स्थिति को खुद देखें, मैंने पराकाष्ठा है जुल्म का। उसके बाद फिर हॉस्पिटलाइज हुए हैं दोनों और इलाज BGH में चल रहा है। अब इसमें यही हम लोग पड़ोसी होने के नाते कि कामना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दोनों ठीक हो जाएं, और ये जो रेंट जो भी रेंटर है इनके, ये उनको प्रॉपर रेंट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इसका भी जांच होना चाहिए। ऐसे लोगों के अनुसार कठोरतम कार्रवाई जो भी कानून सम्मत हो एकदम करना चाहिए, और समाज को भी सबक लेना चाहिए कि ऐसा फिर कहीं किसी के साथ ना हो। रेंटर एक तो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर DK गुप्ता, और दूसरा ही जो नवज्योति मेडिकल हॉल जो आप देख रहे हैं, ये इसको चलाते थे पहले मंतोष कुमार, ये भी रेंटर है, अभी नहीं रहे, 3-4 महीना पहले इनकी मृत्यु हो गई है, और उसके बाद से ये दुकान उनकी वाइफ चला रही है। तो मेरे जानकारी में यही दो रेंटर है इस घर में, क्या ये काफ़ी दिन से हैं, और उन लोगों की स्थिति देख के तो यही लग रहा है कि बहुत मतलब आर्थिक रूप से एकदम मैंने कुछ नहीं था उन लोगों के पास, अपने ही घर में बंधक। अब यही कहानी है, सार यही है। देखिए लेडी लड़की को तो हम नहीं, हम लोग जाके हम देखे, क्या है कि उसमें लेडीज लोग गई थी ऊपर। जेंट्स का क्या स्थिति देखे? जेंट्स का स्थिति बहुत विभत्स था, पैर में पूरा बैंडेज था, हाथ एक बांधा हुआ था, तो हम देखे खुद अपनी आँख से। लेकिन आज दिन भर नहीं खुला, ही हम देखे, न दुकान खुला न क्लिनिक खुला आज, कल तो शायद खुला था लेकिन आज नहीं खुला।